नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पर स्वागत और अभिनंदन है। आज हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। इससे पहले हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को यानी संसदीय शासन पद्धति का जो कॉन्सेप्ट था उसको क्लियर कर लिया। हम समझ नहीं पाते कि अमेरिका और भारत दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, दोनों लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन फिर भी ये सुनने में आता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति के पास बहुत ज़्यादा पावर है। किसके पास ज़्यादा है? राष्ट्रपति के पास। और भारत में सुनने को आता है कि यहाँ राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र की शक्तियों का पालन करने वाला एक राष्ट्राध्यक्ष है और सरकार की वास्तविक जो शक्तियाँ हैं वो प्रधानमंत्री के पास हैं। तो क्या कारण है इसका कि दोनों देश लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद भी, लोकतांत्रिक जीवन पद्धति यहाँ अपनाए जाने के बाद भी दोनों देशों में अंतर है? तो उसमें ये अंतर इसी कारण से है कि भारत में संसदीय प्रणाली है यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम है और उसके गुण और दोष पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके डाला हुआ है सेपरेट वीडियो, वो आप देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हम आज समझेंगे अध्यक्षात्मक शासन पद्धति। सरकार के तीन अंग होते हैं और तीनों अंग मिलकर कार्य करते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। चाहे वो संसदीय शासन पद्धति हो, चाहे वो अध्यक्षीय शासन पद्धति हो, तीनों सरकार के अंग हैं। वो होते हैं व्यवस्थापिका, जो कि कानून बनाने का कार्य करती है, कार्यपालिका जो कि कानूनों को लागू करती है, और न्यायपालिका जो कि न्याय समीक्षा करती है। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमने बात की थी कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच गहरा संबंध होता है, ये एक दूसरे में से जुड़कर या समन्वय कर कार्य करती हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल पद्धति की, या कहें कि अध्यक्षीय शासन पद्धति की। तो यहाँ थोड़ा यहाँ अंतर आ जाएगा और वही अंतर फिर आगे चलकर पूरा अलग से क्लियर हो जाएगा कि वहाँ राष्ट्रपति के पास ज़्यादा शक्तियाँ क्यों हैं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों स्वतंत्र होती हैं। व्यवस्थापिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका उनको लागू करेगी और न्यायपालिका उनको उनकी समीक्षा करेगी। कहने का मतलब यहाँ शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, वो स्पष्ट होता है, क्लियर होता है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली या राष्ट्रपति प्रणाली भी इसको कहते हैं। तो ये एक ऐसी गणतांत्रिक या कहें कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति है जिसमें राज प्रमुख यानी सरकार का जो प्रमुख होता है और राष्ट्र का प्रमुख यानी देश का जो प्रमुख होता है, राष्ट्राध्यक्ष जिसको बोलते हैं, वो एक ही व्यक्ति के पास होती है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमने बात की थी कि दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे भारत में आप समझ पाए होंगे कि नाम मात्र की शक्तियाँ संविधान ने किसको दी हैं, राष्ट्रपति को, और वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करते हैं प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद। ये बात हमने पिछले कॉन्सेप्ट में क्लियर कर ली थी। यहाँ राज प्रमुख यानी सरकार का प्रमुख और राष्ट्राध्यक्ष एक ही व्यक्ति होता है और वो राष्ट्रपति होता है वहाँ। यहाँ वास्तविक शक्तियाँ और नाम मात्र की शक्तियाँ अलग अलग नहीं होती, एक ही व्यक्ति होता है, सरकार का प्रमुख भी और देश का प्रमुख भी। अध्यक्षीय गणतंत्र का उदाहरण है अमेरिका और लगभग सभी लैटिन अमेरिकी देश यानी दक्षिणी अमेरिका के जितने भी देश हैं उनमें भी अध्यक्षीय शासन प्रणाली ही पाई जाती है। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका और फ्रांस, यूरोपीय देश है फ्रांस, वहाँ मिश्रित संसदीय और अध्यक्षीय शासन पद्धति होती है। इस पर भी बात करेंगे हम, इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि अर्ध अध्यक्षात्मक शासन पद्धति कौन सी होती है जिसमें मिश्रित गुण पाए जाते हैं। संसद भी वहाँ शक्तिशाली होती है तो वहाँ राष्ट्रपति भी शक्तिशाली होता है। तो ये क्या कौन से गुण उसमें होंगे उसकी बात हम अलग से सेपरेट वीडियो में करेंगे। तो अमेरिका और लैटिन अमेरिका के जितने भी देश हैं वो उन सब में अध्यक्षीय शासन पद्धति पाई जाती है। ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया। वहाँ राष्ट्राध्यक्ष और सरकार का अध्यक्ष एक ही व्यक्ति होता है, अलग अलग नहीं होते। अब प्रमुख विशेषताएं इनकी देख लेते हैं कि अध्यक्षीय शासन पद्धति में केवल एक ही कार्यपालिका होती है और वो सब किसके पास होती हैं, सभी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास। इसीलिए इसको प्रेसिडेंशियल सिस्टम या राष्ट्रपति शासन प्रणाली भी कहते हैं। और उसको हमने देखा था मंत्रिमंडलीय
शासन पद्धति, प्रधानमंत्री शासन पद्धति भी आजकल कहना शुरू कर दिया है किसको, पार्लियामेंट्री सिस्टम को, संसदीय शासन पद्धति को, तो वो उसमें हमने देख लिया था। कार्यपालिका का कार्यकाल इसमें निश्चित होता है, उसमें कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित नहीं था, अर्थात यह विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, बिल्कुल उससे अपोजिट है। अध्यक्षात्मक शासन में शक्ति पृथक्करण होता है, शक्तियाँ दो तीन अंगों की, सरकार के तीन अंगों की अलग अलग होती हैं, अर्थात विधानमंडल कार्यपालिका एक दूसरे को भंग नहीं कर सकती जैसा पार्लियामेंट्री सिस्टम में कर सकते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के गुण कौन से हैं, ये उनसे अलग है। तो जो संसदीय शासन पद्धति के अवगुण थे वो इस यहाँ गुण मिलेंगे, ये भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखें कि जो संसदीय शासन पद्धति के अवगुण थे वो यहाँ गुण के रूप में मिलेंगे और ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो जाएगा, इस कॉन्सेप्ट को हमें क्लियर कर लेंगे कि यहाँ शासन में स्थायित्व होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का प्रधान एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, तो यहाँ कार्यपालिका का जो कार्यकाल है वो निश्चित होगा। कार्यपालिका को व्यवस्थापिका अविश्वास के प्रस्ताव पारित करके हटा नहीं सकती, उसे हटाने के लिए महाभियोग, जो कि एक कठिन नीति होती है, कठिन प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसको अपनाना पड़ता है। परिणाम ये होता है कि सरकार का स्थायित्व बना रहता है। एक बार जो राष्ट्रपति बन गया अमेरिका में, वो राष्ट्रपति बना रहेगा। कार्यपालिका का अध्यक्ष अपनी नीतियों के अनुसार शासन कार्य को सुचारू रूप से चलाता है। शासन में दक्षता भी होती है, स्थायित्व भी होता है तो दक्षता भी होगी। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शासन में दक्षता के दर्शन होते हैं। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों अलग अलग स्वतंत्र होने के कारण कार्यपालिका के साहस, दृढ़ जो निर्णय होंगे, कुशलता और दक्षता में भी वृद्धि होगी। वहाँ राष्ट्रपति है वो स्पष्ट तरीके से और साहसिक तरीके से निर्णय ले सकता है। वहाँ विधान कहने का मतलब लोकसभा के प्रति वो उत्तरदायी नहीं होते या विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, तो वो दबाव में नहीं होते। कार्यपालिका का शासन का संचालन करना, अथवा शासन कार्य को कुशलतापूर्वक भी चलाते हैं। संकट काल के लिए भी अति उत्तम होती है। राष्ट्रपति सरकार का भी अध्यक्ष होता है तो देश का अध्यक्ष भी होता है। उसे किसी मंत्रिमंडल के निर्णय का इंतजार नहीं होता तो वो तुरंत अपने निर्णय ले लेते हैं। तो संकट अगर किसी कोई देश पर आ गया हो तो राष्ट्रपति तुरंत अपनी शक्तियों का प्रयोग कर निर्णय ले सकता है। तो यह संकट काल के लिए भी अति उत्तम होती है। राष्ट्रपति एकता, राष्ट्रीय जो एकता है उस वो भी सुदृढ़ होती है। या राष्ट्रीय एकता के लिए भी सबसे बेस्ट प्रणाली होती है अध्यक्षीय शासन प्रणाली, अत्यंत दृढ़ रूप से विद्यमान रहते हैं। यहाँ राष्ट्रीय एकता के लिए कार्य किया जाता है बड़े स्तर पे। राष्ट्रपति संपूर्ण देश का तो होता ही है, साथ ही साथ सरकार का भी अध्यक्ष होता है, किसी दल का नहीं होता। उसके कार्यों पर दलगत राजनीति का प्रभाव नहीं पड़ता, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि वहाँ किसी दलगत राजनीति का नहीं होने के कारण वहाँ दलगत राजनीति का राष्ट्रपति भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ दल का कोई रोल नहीं होता। एक मंडल होता है निर्वाचन मंडल, उस वो राष्ट्रपति का चुनाव करता है और उसके बाद राजनीतिक दलों का कोई रोल नहीं होता, जैसे भारत में होता है। शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती है, राष्ट्रीय एकता में भी वृद्धि होती है, नीति में निश्चितता होती है। इस प्रणाली में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के हाथ में होने के कारण वह अपनी इच्छा अनुसार अपने परामर्शदाता चुन सकता है और स्वतंत्र निर्णय ले सकता है, स्वतंत्र परामर्श ले सकता है, तो उसके परिणाम भी नीति में निश्चितता होगी। राज्य शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का ही पालन किया जाता है। यहाँ शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का हमने बात की थी कि यहाँ शक्ति पृथक्करण सिद्धांत स्पष्ट होता है। व्यवस्थापिका न्यायपालिका कार्य संविधान द्वारा निश्चित होते हैं, वो किसी के दबाव में कार्य नहीं करते। दलबंदी की बुराइयाँ भी यहाँ नहीं होती जैसी पार्लियामेंट्री सिस्टम में होती, तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में दलबंदी का वैसा उग्र और दूषित रूप नहीं होता जैसा कि संसदीय शासन प्रणाली में होता है। अब अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के दोष देख लेते हैं। यहाँ जो दोष होंगे अध्यक्षीय शासन प्रणाली के, वो संसदीय शासन प्रणाली के गुण होंगे। यहाँ निरंकुश शासक निरंकुश हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास वो राष्ट्र का भी अध्यक्ष है, वो सरकार का भी अध्यक्ष है, तो उसके उस पर नियंत्रण करने वाला कोई नहीं है। ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जैसे भारत में है
लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव कर पारित कर सकती है, लोकसभा कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, तो ऐसी वहाँ कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण शासक है वो निरंकुश हो सकता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित होता है और एक बार निर्वाचित होने के पश्चात राष्ट्रपति को न तो जनता और न ही जनता द्वारा निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं वो नियंत्रित कर पाते, इसलिए निरंकुश हो जाते हैं, उन पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता, इस प्रकार उनके निरंकुश होने का खतरा बना रहता है। व्यवस्थापिका कार्यपालिका में सहयोग का अभाव होता है, जैसा संसदीय पार्लियामेंट सिस्टम या कहें कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच सहयोग होता है, यहाँ सहयोग नहीं होता, यहाँ शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का पालन किया जाता है और व्यवस्थापिका कार्यपालिका के बीच सामंजस्य नहीं होने के कारण शासन के इन दोनों अंगों में मतभेद बना रहता है, गतिरोध बना रहता है। उत्तरदायित्व के सिद्धांत का भी यहाँ कोई पालन नहीं किया जाता क्योंकि कोई किसी के प्रति उत्तरदायी है ही नहीं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जब कोई कार्य गलत हो जाता है तो व्यवस्थापिका उसके लिए कार्यपालिका को और कार्यपालिका व्यवस्थापिका को उत्तरदायी ठहराती है, इस प्रकार दोनों ही एक दूसरे को उत्तरदायी ठहराने का प्रयास करती हैं, कोई किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वहाँ सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत नहीं है जैसा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है। कठोर शासन पद्धति, अध्यक्षात्मक शासन पद्धति में लचीलेपन का गुण नहीं होता, तो ये अपना कॉन्सेप्ट था, पार्लियामेंट्री सिस्टम पहले कर लिया, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को हमने आज कर लिया यानी प्रेसिडेंटियल प्रणाली। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गए, आज के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी कि अमेरिका और भारत दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, दोनों ही लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन फिर भी इनकी शासन पद्धति में अंतर क्यों है। वहाँ राष्ट्रपति के पास ज़्यादा पावर है तो भारत में प्रधानमंत्री के पास ज़्यादा पावर है। तो मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, आपको क्लियर हो गया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर कहीं दिक्कत आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के साथ। अब की बार हम अर्धाध्यक्षात्मक शासन पद्धति जिसमें संसदीय और प्रेसिडेंटियल दोनों गुण पाए जाते हैं उस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। संघात्मक व्यवस्था में यूनियन और फेडरल में क्या अंतर है आगे वो भी बात करेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने का अपने अभियान चला रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। थैंक्स।